audible to you now? Okay. Is the screen available? That is the screen visible to you? Okay, fine. Wait for a minute. We will continue from the same topic. Yesterday we were. एक बार आवाज देकर ओके वी विल कैरी फॉरवर्ड द सेम टॉपिक दैट इज इडियम एंड फ्रेजेस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर ओके सो वी विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम दैट वेयर वी हैव लेफ्ट ओके गुड मॉर्निंग ओके सो द फर्स्ट So the first idiom and phrase is there. So the first idiom and phrase. First of all, I would like to tell you that we have missed the first class. Can take the PPT in from the Telegram group from the module first or the second or so I want to tell you that you can comment me for PDF in comment section too if some class if first is missing so I would recap within the 5 minutes that what we have seen what I have taught in the first class And utilization of the idiom and phrase. I want to tell you, students, that idiom and phrases are tested in the competition, like the SSC CGL, like banking exam or other graduate level examinations. What is the importance in the banking exam? They are not asked directly, but the utilization. It's not the thing that they are not asked directly means they are not are in the, they are not the part of the syllabus. Yes, of course they are the part of the syllabus. How they are asked? They are asked in the different kind. Different kinds, different criteria is there. Like they can be affixed in a comprehension in the last line in the conclusive point. Like make hay while the make the hut while the hay make this kind of the hay may be there. Or they can be asked in a grammatical error sentence means a wrong phrase can be there for a wrong sentence. They are asked in the RBI Grade B exam using a single phrase in the two sentence. So this is the criteria of asking in the examination. So you have to carry on these things. Okay. गॉट इट जैसे वो आपको मीनिंग कुछ और देगा मतलब कुछ और होगा कि जैसे कि कल मैंने एक दो करवाई थी तो वो एक्सेप्शन थी कि देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम कि उनके बीच में कोई लव लॉस्ट नहीं हुआ बट द मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट और जहां पे एक्सेप्शन होगा वहां पे कोई भी एग्जाम अटैक करेगा एक्सेप्शन ऑलवेज बिकम्स इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भीड़ को हटाने के लिए एक्सेप्शनल थिंग्स देता है तो आपको जो नॉर्मल थिंग्स है वो तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए पढ़नी ही है बट एक्सेप्शनल थिंग वो आते ही आपको उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है कि दिस कैन बी द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ द व्यू और वो जो जिस दिन आएगा एग्जाम में यू विल फील गुड दैट यस व्हाट आई हैव ऑब्जेक्टेड टू एट द टाइम इज द पार्ट ऑफ माय एग्जामिनेशन टुडे एंड यू फील गुड एट द टाइम ओके सो हियर We will get the for a idiom and phrase. So no love lost between them का मतलब just उल्टा होता है. They hate each other. Love था ही नहीं तो love lost से लेना देना क्या? जबकि कहे word to word क्या कह रहा है कि दोनों में प्यार था. Now जो प्यार है उसका loss नहीं हुआ. But real meaning क्या है? There is no love. He came second best in the race. वो race में second best आया. But real meaning क्या है? He came last. दो ही लोग थे दो में से दौड़ा वो पीछे आया दैट मीनिंग वो है ही केम सेकंड बेस्ट इन द रेसलिंग मतलब वो रेसलिंग है दो ही लोग होते हैं सेकंड बेस्ट का मतलब क्या है कि पहले वाले ने उसको हराया है ओके सो दैट वुड बी द काइंड ऑफ द आंसर्स ओके नो प्रॉब्लम नाउ द थिंग इज दैट कि देखो ये यहाँ पे एक सेंटेंस है ही टर्न्स इवन हिज एरर्स टू अकाउंट अब यहां तक अगर पढ़ा आपने वो इसको कॉम्प्रिहेंशन में दे देगा और इसका सिमिलर मीनिंग पूछेगा आपको पूछेगा इडियम एंड फ्रेज का रियल यूटिलाइजेशन होता है एग्जाम के अलावा इट्स अ डिफरेंट थिंग
आपकी पर्सनालिटी, ओके, कि समझ लो आपको पूछा इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट्स योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या, तो आप वहां पे ये डायलॉग बोल सकते हो जो आपका पहला सेंटेंस है कि आई इवन टर्न माय एरर्स टू अकाउंट, हाँ मैं गलतियां करता हूँ, दिस इज माय वीकनेस, कि समटाइम आई कमिट मिस्टेक व्हेन आई एम ओवरबर्डन्ड बाय सम काइंड ऑफ द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन, बट द रियल थिंग इज दैट आई टर्न माय एरर्स टू अकाउंट, मतलब जो गलतियां होती है उनसे सीखता भी हूँ, प्रॉफिट बाय दे, ओके, सो ये समझ में आया कि द idiom and phrases are the part of the personality development that you can use hefty or lofty idiom and phrases for the better outlook so the examiner or interviewer get to know that you have studied the language also with great care and attention and you can represent yourself in good kind of the knowledge and good kind of the language that is must, okay, you are using the simple words and instead of that you are using good words, okay. Suppose if the examiner is asking you, how should a bank PO behave for his lonely persons, for his customers who want to take loan? And if you have quote for that, or idiom or phrase for that, it would appear more better than you say in the simple words. Or while you are in the GD, if you make some quote or bold statement or some good vocab language, good jargons, the technical side of that area, then he will feel good that yes, he has kind of some knowledge. Like you can say that a bank PO person must, if a person selected as a bank PO must act as a fox as well as a lion while giving loans. And this is the quote of the Machiavelli. Huh? But you can quote it that time. Yeah. And now he will say that what do you want to say by the fox and the lion? What do you mean? As a king must behave as a fox, as a lion, bank PO is a good post of the bank and he has the responsibilities of distributing the loans when he becomes the manager. So I think a bank PO must act as a, or a manager of the bank must act as a fox as well as a lion. Means when he is distributing the loan, he must not take only bold stuff that distribute whatever the credit, but he must think that can he repay? Have he the enough collaterals to repay the things, enough securities, enough land, so we can take it back. So on that basis, he must not take only bold step that give anybody anything. He must take the steps according to his collaterals, according to his property. That is acting like a fox. Okay. So he will be impressed by this kind of the answers. Yes, he has the right kind of the information with the right kind of the quotation backing up that is supporting his candidature more better than the others one. And energy must be there when you are representing some things. The face is not important. That how your face is, what your personality, that you are a 5 foot or a 6 foot tall guy, it's not important. How you are representing yourself is more important. There is a quotation in English literature written by some great author that it's not important that how your body is covered, but the important thing is that how does your mind behave. मतलब जरूरी ये नहीं है कि आपका तन किन कपड़ों से ढका हुआ है, जरूरी ये है आपका मस्तिष्क कैसे व्यवहार करता है। आपकी पुअर क्लोथिंग भी रही इंटरव्यू में, इट डजंट मैटर एट द टाइम बिगिंस कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे, कि जब आपको इंट्रोडक्शन पूछा गया तब से ही आपने इम्प्रेस ऐसे किया कि यस ये असली कैंडिडेट आया, इसको लेना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप अटक गए, चुप हो, वो आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो जबकि आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपका कैंडिडेचर है उसको लॉस होने के ज्यादा चांस है एलिजिबिलिटी होते भी। एरर्स टू अकाउंट मतलब प्रॉफिट्स बाय दे, यहां से ये चीज भी सीखो कि प्रॉफिट फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय लेता है आपने, क्योंकि वहां पे सीख रखा है कहां पे मैथ्स में कि प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एट, लेकिन प्रॉफिट बाय भी प्रीपोजिशन लेता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन प्रॉफिट बाय, अगर किसी चीज से प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बाय। आई प्रॉफिटेड बाय माय एक्सपीरियंस, मुझे अपने एक्सपीरियंस अनुभव का प्रॉफिट हुआ, दैट इज प्रॉफिट बाय। ओके, ही इज एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मतलब अपराधी,
ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस. सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये नहीं है कि वो बाउंड्री पे बैठा था. अगर कि सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है कि कई बार समझ लो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक योर एग्जाम एंड मेनी अ टाइम्स इन अ डे यू थिंक दैट कि क्या मैंने ये सही स्टेप लिया, क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कैरी ऑन करना चाहिए. एंड देन यू रिमेम्बर फर्स्ट डे कि क्यों शुरू किया था, कुछ बन नहीं. ओके, और आप फिर वापस प्रिपरेशन में लग जाते. बट सम पर्सन आर इन डिलेमा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ इज राइट और नॉट. जब इस द्वंद में होता है, डिलेमा में होता है, या माइंड कंफ्यूजन पजल्ड स्टेट में होता है, इज नोन एज सिटिंग ऑन द फेंस. ओके, तारों पे झूलना कि इधर गिरना है या उधर गिरना. माइंड होल्टिंग बिटवीन द टू स्टेट्स इज नोन एज सिटिंग ऑन द फेंस. सो होल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस और हेजिटेटिंग विच साइड टू जॉइन, कि विच साइड टू जॉइन, कौन सी साइड है मुझे ये करनी होगी या मुझे क्या करना चाहिए. दैट इज नोन एज होल्टिंग बिटवीन द टू स्टेट्स. ओके, गुड. इट इज ऑल वन टू मी वेदर ही लिव्स इन मुंबई और कोलकाता. अब ऑल वन का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल वन, कल भी था ऑल वन ऑफ द, वी आर वन. देखो, वन और ऑल वन दोनों वर्ड में इतना सा ही फर्क था. कल था एक वन कि वी आर वन ऑन दिस ऑन द ओपिनियन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, कि अगर चाइल्ड मैरिज की बात आए तो वी आर वन, मतलब ऑफ द सेम ओपिनियन. इट्स ऑल वन मतलब सेम, मेरे लिए जस्ट द सेम, कि दोनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट द सेम टू मी वेदर, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कहते भी हो कि वो जाए या मेरी जिंदगी में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता. वेदर सी स्टे और लीव, इट डजंट मैटर. कंजक्शन में पढ़ा था वेदर और वाला, यहाँ पे भी है वेदर और कंजक्शन. ठीक है, तो इट्स जस्ट द सेम टू मी वेदर ही लिव्स इन द मुंबई और कोलकाता, मतलब एक ही है. व्हाट इज द पॉइंट एट इश्यू? पॉइंट एट इश्यू मतलब ऑन इश्यू भी आती है प्रीपोजिशन और एट इश्यू भी आती है. पिन पॉइंट बात होती है तो उसके लिए आता है एट प्रीपोजिशन. व्हाट इज पॉइंट एट इश्यू मतलब मामला क्या है, मतलब डिस्प्यूट क्या है, विवाद जिसको बोलते हैं, कंटेंशन. और कंटेंशन से एक फ्रेज, एक idiom और फ्रेज और है, bone of contention मतलब विवाद का कारण. सेम ऐसा ही मीनिंग है कि एक हड्डी के लिए दो कुत्ते लड़ते हैं. हाँ ठीक है, एक लड़की के लिए दो लड़के लड़ना, एक हड्डी के लिए दो कुत्ते लड़ना, that is bone of contention, विवाद का कारण. ठीक है, कि हम इससे मेरी शादी होनी चाहिए, इससे मेरी शादी होनी चाहिए, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन. या मतलब कोई भी एक जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान भी लड़ रहा है, हिंदुस्तान भी लड़ रहा है, बोन ऑफ कंटेंशन. ओके, गॉट इट. चलते हैं नेक्स्ट. द इंक्वायरी हैज ब्रॉट टू लाइट, सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स. स्टार्टलिंग का मतलब होता है वंडर, सरप्राइजिंग, एस्टोनिस्ट, कि कुछ ऐसे फैक्ट जिनसे चौंक जाओ आप सुन के, कि ये क्या आ गया, ये क्या है. ठीक है, स्टार्टलिंग फैक्ट. तो द इंक्वायरी हैज ब्रॉट टू लाइट, मतलब डिस्क्लोज्ड, मतलब ओपन. ब्रॉट लाया है, तो ब्रॉट टू लाइट मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट में ले आया या लाइट ऑन कर दी. मेन मतलब क्या है? डिस्क्लोज कर दी, बता दिया गया, रहस्य बता देना, जो पहले नहीं पता था लोगों को, बट नाउ दे नो. ओके, व्हेन वी विल डू द 300 और 400 टाइप idioms एंड phrases, उसके अगले दिन आप क्वेश्चन लगाना कहीं से भी, जनरली यू विल गेट द मीनिंग. और एग्जाम में भी कभी आए, और यही यूटिलाइजेशन. आप सिलेबस को पहले जानते नहीं हो और बैठ जाते हो पेपर में मॉक, दैट इज द रॉन्ग डूइंग. करना क्या है, आप कंटेंट आपको पता करिए ना, पेपर पढ़िए 5 साल के, बैटल को जानिए कि है क्या. पुराने प्रीवियस ईयर 5 ईयर एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट के पढ़िए, पता चलेगा कि केवल वोकेबुलरी इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर पेपर. वहां पे वन वर्ड भी आते हैं, वहां idiom एंड फ्रेज भी है, वहां कोट्स भी है, वहां फ्रेजल वर्ब्स भी है, कंपाउंड फ्रेजल प्रीपोजिशंस भी है,
अगर वो जिस दिन पूरी हो गई तो आपको अपने आप ही सब कुछ समझ में आएगा, अपने आप ही पेपर में से, चाहे आप 30 में से, मैं ये नहीं कहता कि 30 आ जाते हैं इंग्लिश में, लैंग्वेज है वो, मैथमेटिक्स में आ सकते हैं 40 में से 40, 100 में से 100, आप बोर्ड्स में लाए होंगे, बट इंग्लिश इज द लैंग्वेज, हिंदी इज द लैंग्वेज, मराठी इज द लैंग्वेज, यू वॉन्ट गेट फुल मार्क्स देयर। ओके, लैंग्वेज में गलतियां होती है, मात्रा की एरर्स हो जाती है, बट 25 आप ला सकते हो, 25, 24.5, ये आपका एवरेज स्कोर रह सकता है अगर आप ढंग से पढ़े तो। आपको सब चीज का नॉलेज है ढंग से, इडियम एंड फ्रेज, कॉर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, कंपाउंड वर्ड्स, इनको अगर आप ढंग से आते हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, डबल फिलर्स, ये चीजें आपको पता है तो आप कर सकते हो। ओके, आप कर सकते हो इनको। नेक्स्ट, ही इज नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, होल्ड ए कैंडल टू, मतलब होल्ड ए कैंडल टू का मतलब क्या होता है? होल्ड ए कैंडल टू का मतलब होता है किसी के साथ में, अगर मैं बोलूं कि इफ यूर फादर इज ए डॉक्टर एंड ही परसुएड यू आल्सो डॉक्टरी, ही परसुएड दैट यू शुड आल्सो बिकम ए डॉक्टर, देन आप वो उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, आप में काबिलियत है, यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ द कैपेबिलिटी और सच काइंड ऑफ द एबिलिटी, दैट इज नोन एज होल्ड ए कैंडल टू, मतलब कंपैरिजन नहीं किया जा सकता आपका, बिकॉज ही हैव मच मोर ग्रेटनेस देन यू। इफ माई फादर इज ए टीचर एंड आई एम ऑल्सो ए टीचर, बट ही इज ऑफ ग्रेट कैलिबर एंड आई डजंट मैच टू द कैलिबर ऑफ दैट काइंड ऑफ द पर्सनैलिटी, देन इट इज नोन एज ही इज नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, मतलब नॉट टू बी नेम्ड इन द कंपेरिजन विद, कंपेरिजन नहीं हो सकता दोनों का। ओके, तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉट इन कंपेरिजन विद, कंपेरिजन विद हिज प्रीडिसेसर, मतलब पहले वाले से, पुराने वाले से, प्रीडिसेसर से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। ही बर्नड हिज फिंगर्स, बर्नड हिज फिंगर्स का मतलब गॉट हिमसेल्फ इन टू ट्रबल, मैं इरेज कर देता हूँ जो भी मैंने ये लिखा है, बर्नड हिज फिंगर्स, बर्नड हिज फिंगर्स का मतलब ये समझ लो कि ये आ गई आपके, बर्नड हिज फिंगर्स का मतलब ऐसे नहीं है कि उंगलियां जला ली गई, आग में दे दी गई उंगलियां, दिस इज नॉट द मीनिंग, बट व्हाट द बर्नड हिज फिंगर, नॉट टू बी नेम्ड इन द कंपैरिजन विद, कि उसका कंपैरिजन, सॉरी गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, कि उसको बर्नड हिज फिंगर का मतलब गॉट हिमसेल्फ इनटू द ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर। अब देखो सेंटेंस खुद कह रहा है ना, वैसा सेंस दे रहा है कि ट्रबल, किसी दुविधा में फंस जाना, किसी समस्या में फंस जाना, उसको बोलते हैं बर्नड हिज फिंगर्स। फिंगर्स से देखो दो इडियम एंड फ्रेज आ चुकी है, फर्स्ट वाज नोइंग, आई नो इट थ्रू माई फिंगर्स एंड, ये मुझे आता है फिंगर्स पे, अगर आप किसी चीज को कंप्लीटली जानते हो तो थ्रू इट्स फिंगर्स एंड, और सेकंड कि बर्नड हिज फिंगर्स, तो उसका मतलब होता है कि उंगलियां जला लेना नहीं है, कि गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, समस्या में गिर जाना, फालतू तो किसी के नेबर के अफेयर में मेडल किया तो समस्या से गिर जाना। फूट की एक इडियम एंड फ्रेज देखी थी आपने, पुट हिज फूट डाउन, मतलब रेजोल्यूट स्टैंड लेना, फर्म होना, अपनी बात का पक्का होना, कि ऑन द इश्यू ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आई जनरली पुट माई फुट डाउन, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे पे सहमत रहता हूँ, मतलब उनको सपोर्ट करता हूँ। ओके, सो दैट इज नोन एज पुट माई फुट डाउन, दैट इज नोन एज पुट माई फुट डाउन। आई सस्पेक्ट द फेलो लिव्स बाई हिज विट्स, विट्स का मतलब क्या होता है? चतुराई, कनिंगनेस, विट्स मतलब कनिंगनेस, विट्स मतलब कनिंगनेस, चतुराई, विट्स मतलब कनिंगनेस। आई सस्पेक्ट द फेलो लिव्स बाई हिज विट्स, मतलब वो फेयर तरीके से तो नहीं कमा रहा, कोई और ही चतुराई से कमा रहा, तो मतलब वो कमाई सच्ची नहीं, दैट ही इज नो सेटल्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस मतलब रहना, टू लिव, बट पिक्स अप ए लिविंग बाई डेफिसिट और फ्रॉड, डिसीट और फ्रॉड, धोखे से कमा रहा है या कोई और तरीके से कमा रहा है, विट्स से कमा रहा है, मतलब अच्छी कमाई तो नहीं है उसके पास, सही कमाई तो उसके पास नहीं है, दैट इज नोन एज विट्स।
He bids fair, मतलब seems likely to rival his father as a lawyer. Bids fair मतलब देखो, bids bad और bids fair दो यूज हो सकती है, अगर अच्छा हो या इन कंपैरिजन ठीक हो तो उसके लिए आता है bids fair. सीम मतलब वो अच्छा ही लगता है, टू राइवल हिज फादर एज ए लॉयर, ठीक है, उसके उन जैसा ही है. ही स्ट्रेंड एवरी नर्व, उसने सब कुछ किया, मतलब अपना सारा एफर्ट लगाया टू गेट हिज फ्रेंड इलेक्टेड, अपना फ्रेंड को इलेक्ट करवाने के लिए या अपने फ्रेंड को सेलेक्ट करवाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी. ओके, अपनी जान को दांव पे लगाना या फिर अपना बेस्ट एफर्ट देना, यूज हिज अटमोस्ट एफर्ट. अटमोस्ट मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री, उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता वो, अटमोस्ट हाईएस्ट डिग्री. आई डोंट नो वेदर यू हैव अवर गॉन अंडरवेंट दिस काइंड ऑफ द इडियम और फ्रेजेस इन द पास्ट और नॉट, बट नाउ आई एश्योर दैट यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस इन द मॉक्स व्हेन यू व्हेन एवर यू विल गिव एनी काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन. सो वंस यू रिपीट दिस काइंड दिस एडवर्ब्स विद मी. ओके, सो फर्स्ट इज एरर्स टू अकाउंट. एरर्स टू अकाउंट, नाउ यू से बाय 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 योर इंट्यूशन दैट व्हाट इट मीनिंग व्हेन आई विल रीड द सेंटेंस. ही टर्न्स हिज एरर्स टू अकाउंट. अब नाउ यू कैन रिकॉल दैट एरर्स टू अकाउंट इज प्रॉफिट बाय देम. सेकंड, सिटिंग ऑन द फेंस. सिटिंग ऑन द फेंस मतलब कि ही इज होल्डिंग बिटवीन टू स्टेट्स, ही इज कंफ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, सो दिस इज नोन एज सिटिंग ऑन द फेंस. थर्ड, इट्स ऑल वन टू मी वेदर ही लिव्स इन द मुंबई और कोलकाता, मीन्स इट्स सेम टू मी, इट डजेंट इफेक्ट टू मी. दैट इज ही वॉन्ट टू से, राइटर वॉन्ट टू से दैट इट डजेंट अफेक्ट टू मी. वॉट इज द पॉइंट एट द इश्यू, मीन्स वॉट इज द bone of the contention or what is the dispute actually is, vivad ka karan kya hai, that is known as point at issue. The inquiry has brought to light. Brought to light matlab disclose something, bahar lana, revealing fact, reveal karna kuch jo ki chupa hua tha ab tak. Is not fit to hold a candle to, wo apni candle ko nahi hold kar sakta, matlab kya hai, not to be named in comparison. Not to be named in comparison with his predecessor. Predecessor का मतलब पहले जो person था. He burnt his fingers by interfering in his neighbor's affairs. So got himself into trouble. कि अपने आप को trouble में लाने वाला. अपने आप को trouble में लाने वाला. He burnt his fingers. Got himself into trouble by interfering in his neighbor's affair. I suspect the fellow lives by his wits. Lives by his wits का मतलब कि ये कुछ कोई अलग ही तरीका. Wits मतलब होता है cunningness. मतलब कोई अलग ही तरीका है उसके पास कमाने का, खाने का. He is not living on the subsistence. He has subsistence by the foul means, not the fair means. Okay, got it? Means he has ill meanings, not the fair means. He is not earning by his labor, but by his cunningness, चतुराई से. I suspect the fellow lives by his wits. He bids fair. He bids fair means it seems likely कि मतलब he is according to that. That is known as bids fair. He strained every nerve. मतलब उसने सब कुछ किया. Used his utmost effort. Result is not dependent, but उसने effort बहुत अच्छा किया. Is known as strained every nerve. उसने अपनी हर power का utmost use किया. अपनी अपनी जान लगा दी उस किसी चीज को पाने के लिए. देन इट इज नोन एज ही स्टैंड एवरी नॉट. ओके, कुछ इजी हुई, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, दैट व्हेन आई सॉ हिम लास्ट ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ. अगर मैं ये नहीं देता विथ ग्रीफ, तो बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, बगल में. बाजू में आप क्या सोच रहे होंगे कि बाजू में है, मतलब अपने ही बाजू में बैठा है आदमी ग्रीफ से, दुख से. बट ही वॉन्ट टू से दैट बिसाइड हिमसेल्फ मीन्स आउट ऑफ हिज माइंड. आउट ऑफ हिज माइंड मतलब दुख में होना, तो दुख में होता आदमी तो वो हम उसको देख के बता सकते हैं कि आज ये वैसा नहीं है जैसा दिखा करता. ओके, एक्टिंग अगेंस्ट वॉट ही रियली इज, कि वो जनरली खुश
जोली मूड वाला आदमी है, जोवियल नेचर वाला, बट समडे व्हेन ही इज इन द ग्रीफ वो बिहेवियर उसका चेंज लग गया आपको, दैट इज नोन एज आउट ऑफ हिज माइंड, दैट इज नोन एज आउट ऑफ हिज माइंड. नेक्स्ट, ही स्पेंड ओवर इट इज मच टाइम एंड एनर्जी एंड नाउ लॉस्ट लार्ज सम इनटू द बार्गेन. ज्यादातर समय बार्गेन में चला गया, मतलब पहले वो एनर्जी तो खत्म हो चुकी थी, बाद में जो समय गया वो बार्गेन में गया, मतलब किसमें गया, इन एडिशनल समय बिसाइड्स. यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है, ये देखो इसमें यही फर्क होता है कि ये है बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल में, और जब ये आ जाए बिसाइड्स तब मतलब होता है इन एडिशन टू, बाद इन एडिशन टू, एक ऐसे ही जुड़ा है लेकिन मीनिंग चेंज हो गया है. सी वाज सिटिंग बिसाइड मी और बिसाइड्स मी, बाजू में बैठा था तो बिसाइड्स मी, इन एडिशन टू दिस वी कैन डू दैट, मतलब इसके अलावा हम वो भी कर सकते हैं, तो वहां पे बिसाइड्स आएगा, समझे, कि जब बाजू में बैठा है कोई तो बिसाइड, जब अतिरिक्त कोई काम करे या एडिशनल कोई काम करे तो बिसाइड्स. ओके, नेक्स्ट, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वाज एट सिक्सेस एंड सेवंस इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, कि जब मैंने एंटर किया घर पे हाउस में तो सारी चीजें एट सिक्सेस एंड सेवंस, तो ऐसे मत समझ लेना कि सारी चीज छह और सात पे थी, मीनिंग ये अब ऐसी कोटेशन है, ऐसी idiom and phrase है, कभी भी आए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि कभी सुनी नहीं, पहले से उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एग्जाम इजी हो जाता है मेरे फ्रेंड, कि आप जब एग्जाम में बैठ रहे हो देन इट वुड बी मोर इजी देन टू अटेम्प्ट इट, व्हाई, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट काइंड ऑफ द idiom and phrase इट इज. एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, समझ लो कि आपकी मम्मी घर से बाहर गई, आप ही के भरोसे संभला के कुछ, कि बेटा तो बड़ा बेटा है और घर का ध्यान रखना, और वापस आती है तो पता चले कि पंखा नीचे, टीवी ऊपर, ठीक है, सारी चीजें ही डिसऑर्डर में, दैट इज नोन एज एट सिक्स एट सेवंस, कि मम्मी खुद भी दोबारा सोचे आपको ये कहने से पहले कि भैया ध्यान रखना, खुद ही ध्यान रखेंगे, वो घर से बाहर ही नहीं निकले, दैट इज नोन एज एट सिक्स एंड एट सेवंस. ओके, रिसेंटली ही हैज बीन गिविंग हिमसेल्फ एयर्स, अब गिविंग हिमसेल्फ एयर्स मतलब खुद को हवा देने लगा है, ये कहने का मतलब नहीं है कि नाउ ही इज बिहेविंग इन ईगोइस्टिक मैनर, ही इज हैविंग ईगो, ओके, साइनिकल बिहेवियर, क्यों, पहले बहुत अच्छा आदमी था लेकिन जब से सेलेक्ट हुआ है, जब से उसकी रैंक लग गई है या जब से उस लड़की की कोई सिलेक्शन हो गया, देन सी इज गिविंग हिमसेल्फ एयर्स या हरसेल्फ एयर्स, हिमसेल्फ की जगह कई बार हरसेल्फ भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका मतलब क्या है, इस कोटेशन का, इस एडियम फ्रेज का मतलब क्या है दोस्तों, कि वो बिहेव कर रहा है एरोगेंट, घमंड में है, बिहेव कर रहा है एरोगेंट. द अटैक माइट बी लॉन्च्ड एट एनी टाइम, अटैक कभी भी हो सकता है, सो यू मस्ट बी ऑन द अलर्ट, मस्ट बी ऑन द अलर्ट मतलब मस्ट बी रेडी टू, ऑन योर गार्ड, रेडी टू एक्ट, तुम्हें एक्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए, ये सिंपल थी, आपको खुद को भी पता चल रहा है कि वो कहना क्या चाहता है, जब चाहे मैं आंसर ऑप्शन नहीं दूं, देन आल्सो यू कैन डू सच काइंड ऑफ द idiom and phrase, लेकिन ऊपर वाली गिविंग हिमसेल्फ एयर्स, दिस काइंड ऑफ द प्रीपोजिशंस आर इंपॉर्टेंट विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू, बिकॉज दे से समथिंग बट दे मीन समथिंग, दिस लाइक कल था एक idiom and phrase थी, दे प्ले फास्ट एंड लूज, कि वो फास्ट और लूज खेलते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि दे प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब वन से सम अनदर थिंग बट डज अनदर, कोई कुछ कहता कुछ है करता कुछ है, ओके, दैट इज नोन एज प्ले फास्ट एंड लूज. रिट्रेंचमेंट इज द ऑर्डर ऑफ द डे, रिट्रेंचमेंट इज द ऑर्डर ऑफ द डे, कि इन एवरी पब्लिक एंड प्राइवेट, रिट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, ले ऑफ, निकालना, स्क्रूटिनी, छटनी या निकाल, कि रिट्रेंचमेंट है वो अभी ऑर्डर ऑफ द डे है, मतलब प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ द थिंग्स, प्रेजेंट स्टेट, मतलब अभी एग्जिस्टिंग थिंग क्या है, कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, वो निकालना पसंद करती है लोगों को निकालना पसंद करती है, वो जब भी उनकी कंपनी थोड़ी घाटे में जाती है तो वो क्या करती है, निकालती है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द डाइस द जर्मन्स बियर द पाम, ऐसा नहीं है कि पाम पे बियर उगा लिया या कोई
कुछ लगा लिया. बियर द पाम का मतलब होता है दे आर वेरी एक्सपर्ट एट दिस थिंग्स, आर प्रेमिनेंट, प्री एमिनेंट, मतलब वो किस चीज में बहुत आगे हैं, अहेड, वो बहुत आगे हैं. ओके, एग्रीकल्चर इन अमेरिका हैज केप्ट पेस विद, केप्ट पेस विद मतलब प्रोग्रेस एट इक्वल रेट, केप पेस विद मतलब उतना ही जितनी और चीजें ग्रो कर रही है उतना ही यूएस के अंदर एग्रीकल्चर ग्रो करता है, इसीलिए वो सुपर कंट्री है, सुपर पावर है, बिकॉज थिंग्स आर इन कीपिंग विद मतलब पेस विद साथ में ही चल रही. द टेक्स्ट बुक ऑफ द केमिस्ट्री इज क्वाइट आउट ऑफ द डेट, जब कोई आउट ऑफ द डेट चीज हो मतलब क्या है उसको, इररिलेवेंट, जब कोई इररिलेवेंट चीज हो तो उसको हम ऑब्सोलीट बोलते हैं वन वर्ड, वन द थिंग विच इज आउट ऑफ द डेट, द थिंग विच इज नॉट सिटेड टू द टाइम, द थिंग विच इज नॉट कॉम्पेटिबल, द थिंग विच इज नॉट कॉन्टेम्प्ररी टू द टाइम आर ऑल नोन एज ऑब्सोलीट. ये जो रद्दी है आउट ऑफ द डेट, क्या भी आप पीसी चला रहे हो इन द टाइम्स ऑफ द लैपटॉप और द टैब्स, स्मार्ट गैजेट्स, आईपैड्स, मैकबुक, है ना, तो वो क्या है, आउट ऑफ डेट है पुरानी चीज. दिस इज द मोस्ट अप टू डेट, ये चीज क्या है, अप टू डेट मतलब मॉडर्न और रिसेंट बुक है ऑन द सब्जेक्ट, ये सबसे मॉडर्न और रिसेंट बुक है सब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं अप टू डेट. आउट ऑफ डेट ऑब्सोलीट, अप टू डेट रिसेंट, अभी लेटेस्ट, इसको क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में, लेटेस्ट, लेटेस्ट. ओके, तो आपको पता चला कि ऐसी इडियमेंट फ्रेज हो सकती है. एक बार एक क्विक रिविजन लेते हैं इनका वापस, कि बिसाइड हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो खुद के ही बगल में बैठा है, एक आदमी खुद के ही बगल में कैसे बैठ सकता है, बाजू में कैसे बैठ सकता है, बट अगर किसी आदमी का मूड ऑफ हो देन ही इज नोन एज बिसाइड हिमसेल्फ, अगर किसी आदमी का मूड ऑफ हो देन इट इज नोन एज बिसाइड हिमसेल्फ. ही स्पेंड अवर मच हिज टाइम एंड एनर्जी लॉस्ट हिज लार्ज सम इनटू द बार्गेन, कि वो उसने बहुत टाइम है वो एनर्जी लॉस कर दी, नाउ वो बार्गेन मतलब और एडिशनल एनर्जी खर्च कर रहा है. बार्गेन का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कम भाव ज्यादा भाव से लेना देना, इकोनॉमिक टर्म नहीं है ये, लिटरेचर की टर्म है. बार्गेनिंग मतलब एडिशनल एनर्जी लॉस, जो मतलब और ज्यादा एनर्जी उसी चीज में गमाना, समझ लो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन फॉर द लास्ट टू और टू एंड हाफ ईयर एंड यू आर आफ्टर गिविंग सच टाइम यू आर इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑल दिस फेलियर्स यू आर स्टिल डूइंग देन इट्स नोन एज बार्गेन, यू आर हैविंग सम एडिशनल टाइम गिविंग टू इट इन द name of the hope that you will get success one day. Okay, when I entered the house everything was at 6s and 7s. 6s and 7s ka matlab kya hai, ki everything was at disorder, sari cheeze kya thi, bikhri hui thi, sari cheeze bikhri hui thi. Theek hai, recently he has been giving himself airs, abhi wo apne aap ko airs de raha tha, matlab behaving arrogantly, wo thoda ghamand mein aa gaya tha, ego show karna, kya karna, ego show karna. The attack might be launched at any time, so you must be on the alert. Alert मतलब on your guard, ready to act. On your guard. You are ready to act. Retrenchment is the order of the day. Retrenchment is the order of the day. The prevailing state of the things in every public and private office. कि जो current state है, वो क्या है? Retrenchment in every public and private office. In the manufacture of the dice, the manufacture of the dice ka, the Germans bear the palm, are preeminent. German kya karte hain? Wo preeminent. Wo sabse mukhya hai. Germans ahead of time. Ya phir excellent at that thing. Okay. Agriculture in America has kept pace with, matlab progressed at an equal rate. Progressed at an equal rate. This textbook of the chemistry is quite out of the date. मतलब क्या है? Obsolete, not relevant, irrelevant. This is the most up to date. मतलब modern या recent. आया समझ में? Okay. Next. What you say has no bearing on the subject in hand. मतलब जो अभी हाथ में है उस चीज से, मतलब समझ लो कोई मीटिंग चल रही है और आप कुछ ऐसा इतना इरिलेवेंट बोलो कि उसका कोई सेंस नहीं हो, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट इन हैंड, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट इन हैंड. व्हाट यू आर सेइंग दैट डजंट मीन एनीथिंग, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट इन हैंड.
कि अंडर डिस्कशन और कंसिडरेशन इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर। अब वॉल्यूम्स का मतलब यहाँ आवाज नहीं है, वॉल्यूम्स फॉर मतलब कि कोई टेस्टिमनी, कोई मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना या इन सपोर्ट किसी चीज के बोलना, सपोर्ट फॉर समथिंग, सपोर्ट फॉर समथिंग, किसी को रेफरेंस देना, दैट इज नोन एज टेस्टिमोनी, किसी को एक्नोलेज करना। डॉक्टर जॉनसन्स इंडस्ट्री दैट ही शुड हैव कंपाइल द डिक्शनरी। कंपाइल का मतलब होता है दोस्तों बनाना, शामिल करना, कई चीजों को एक जगह करना, दैट एक्यूमुलेट सम मेनी थिंग्स, ठीक है, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज कंपाइल, ओके, विदाउट एनी वन से किसी और की हेल्प। Poor fellow is hoping against hope. So these are the playing of the words by the English language. He hoping against hope. ठीक है, failure after failure. Okay. सुना ना आपने? Failure after failure, hoping against hope. Hoping against hope मतलब hoping when everything seems to be gloomy. कि जब आपको पता हो कि कुछ भी नहीं होना, then also you are hoping. That is known as hoping against hope. कि अगर आपको पता चले कि कोई बीमार हो जाए आपका रिलेटिव बहुत ज्यादा, एंड डॉक्टर से दैट ही हिज लाइफ, उसकी लाइफ नहीं बचाई जा सकती, देन आल्सो यू आर होपिंग। अब क्या करते हो आप, ब्लेसिंग्स लेते हो गॉड की या प्रे करने पे उतारू हो जाते हो, कि व्हेन मेडिसिंस डजंट वर्क ए पर्सन प्रे टू गॉड। जब दवाएं असर नहीं करती तब दुआएं असर करती, ऐसा सुना है हिंदी में, वही चीज इंग्लिश में बोली मैंने। That is known as hoping against hope. Hope when you know that बहुत hopeless चीज हो रही है या बहुत gloomy है matter. That is known as hoping against hope. I am told that he got into the hot water. देखो कल पढ़ी थी आपने cold water. That was opposite to the cold water. Cold water और hot water ऐसा नहीं है कि दोनों के opposite, नहीं है ऐसा। Cold water मतलब reject या सुनना ही नहीं है कि I told him about my idea but he threw the cold water upon my scheme. कि उसने रिजेक्ट कर दिया, ये सुना ही नहीं था। और हॉट वाटर होता है ट्रबल, कि इसको देखो एक बार छिपा के इसको पढ़ो कि I am told he has got into hot water, कि उसको बहुत समस्याएं आ गई है, into trouble, समस्याओं से घिरा हुआ है वो, ओके। नेक्स्ट, अल्टीमेटली आई गॉट द बेटर ऑफ हिम। लास्ट में मुझे क्या मिला, बेटर ऑफ हिम मतलब उससे वो जीत गया, चाहे बहस हो, चाहे फिर कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई लड़ाई हो, चाहे दुश्मनी हो, लास्ट में ओवरकेम। बेटर ऑफ हिम का मतलब होता है, बेटर ऑफ हिम का मतलब होता है कि उससे जीत जाना, ओवरकेम हिम, टू डिफीट हिम, ऐसे ही इसका मीनिंग रहेगा, ओके। ही वाज फाउंड गिल्टी, वो उसको दोषी ठहराया गया, बट ही गॉट ऑफ इजी। गॉट ऑफ इजी मतलब गॉट ए लाइट सेंटेंस, बहुत सस्ते में छूट जाना, ओके, that it means got off easy. Next, I wash my hands of the whole matter. I wash my hands of the whole matter मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ धो लिए। I wash my hands का मतलब होता है पूरे पूरे विवाद से मैंने छुटकारा पा लिया। और ये मना कर देना कि मुझे कुछ इसके बारे में पता है, कि I refuse to have anything more to do with it, मुझे पता नहीं है, तो हम बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, या I wash my hands the whole matter. Okay. The situation seems to have got quite out of hand. Quite out of hand मतलब uncontrollable या beyond control, out of control. सारे meaning इसी idiom and phrase के, इसी idiom and phrase के. The situation seems to have got quite. It is said that he has a finger in the pie. देखो finger से दो तीन पढ़ लिया आपने, fingers and, ठीक है. Burnt his fingers. Fingers ends मतलब थ्रोली. Burnt his finger मतलब समस्या में फंसना या ट्रबल में जाना. Fingers in the pie भी वैसा ही है कि it is said that he has a finger in the pie. ऐसा कहा जा रहा है कि उसका कुछ लेना देना तो है इस समस्या से. He has something to do with the affair. Is mixed up in the affair. मतलब उसका इस मामले से कोई लेना देना तो है. That is known as finger in the pie. That is known as finger in the pie. Okay. That fellow sets everybody by the ears. Everybody by the ear मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं है कि वो कानों से हर को set by the ears है, कि कानों को सुनाता है या कुछ ऐसा लेना देना नहीं है. Set by the ears is a idiom and a phrase
इसका मतलब होता है ही इज अ मिस्चीफ मेकर, शैतान है वो, नोटी, कि सबको तंग करता है, सेट बाय द इयर्स मतलब सबको तंग करता है, दैट इज नोन एज नोटी। एक बार इसका क्विक रिवीजन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, कि बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट इन हैंड, मतलब कोई वो बात कहना जो अभी डिस्कशन में नहीं हो, जो व्हाट यू से हैज नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट इन हैंड, मतलब सब्जेक्ट अंडर द डिस्कशन, जो भी चल रहा है उसके अलावा होना, अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जबकि अगर बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना या कंसिडर करना, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर, मतलब सपोर्ट फॉर, या हैविंग द रेफरेंस फॉर, हैविंग द रेफरेंस फॉर और हैविंग द सपोर्ट फॉर, दैट इज नोन एज बियरिंग फॉर। ओके नेक्स्ट, पुअर फेलो ही इज होपिंग अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप मतलब व्हेन देयर इज अ वेरी लिटिल होप और नियरली होप इंपॉसिबल, देन आल्सो ही इज होपिंग, दैट इज नोन एज hoping against hope. I am told he has got into hot water. Hot water means to get into trouble is known as hot water. Get into trouble is known as hot water. Okay. Ultimately, I got the better of him. मतलब overcame him. उससे ऊपर आया वो. Overcame her. I washed my hands of the whole matter. मैंने अपने इस मुद्दे से हाथ धो लिए. मतलब I refuse to have anything to more to do with it. The situation seems to have got quite out of hand. Beyond control, तो वो उससे beyond control बैठ रहे हैं। He is in the finger in the pie, मतलब has something to do with the affair, is mixed up in the affair. That fellow sets everybody by the ears, कि वो his mischief maker, वो mischief maker है। That उसको वो सबको अपने ears से by the ears लेता है। By the ears मतलब वो एक बदमाशी करने वाला naughty person है। Okay, got it? अब चलते हैं आगे, कुछ और सीखते हैं। You have hit the nail on the head. मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि अब जैसा वर्ड कह रहा है वैसा पहला आंसर मिलेगा आपको। Hit the nail on the head का पहला आंसर मिलेगा कि उसने कील मार दी सर में। He hit the nail. इस रियल में क्या कह रहा है? आप खुद तो सेट तो सेंटेंस को कि you have hit the nail on the head मतलब you have done exactly or you have said exactly what was needed. You have done exactly that thing. Said or done exactly the right thing. Exactly the right thing. So this is known as nail on the head. मतलब जो चाहिए थी उस need of the hour था वैसा ही कुछ कहना. You have done exactly. Today he is in the high spirits. वो आजकल high spirits में है. तो high spirits मतलब cheerful, joyful. Cheerful और joyful. कि आजकल वो हाई स्पिरिट्स में है, मतलब जॉयफुल है, चीयरफुल है, खुश दिखता है। हाउ इज दैट, कैसा है? यू सीम आउट ऑफ स्पिरिट्स। अब देखो, हाई स्पिरिट्स और आउट ऑफ स्पिरिट दोनों अपोजिट है एक दूसरे। हाई स्पिरिट्स पॉजिटिव मीनिंग, अपोजिट सीम्स आउट ऑफ स्पिरिट इज नेगेटिव मीनिंग। आउट हाई स्पिरिट्स का मतलब चीयरफुल और इसका अपोजिट क्या होता है? ग्लूमी। जो खुश दिखे, ग्लूमी मतलब सैड, उदास दिखे, उदास दुखी। ओके, दैट इज नोन एज ग्लूमी। हेलो माय लेड, मेरे लड़के, यू लुक एज इफ यू हैव सीन इन द वार्स। सीन इन द वार्स का मतलब आप कर क्या होगे कि वो लड़ाई में दिख गया, मतलब नहीं है। वो पहला ही ऑप्शन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, सीन इन द वार्स मतलब अगर आपको कोई दुखी या रोता हुआ दिखे, दैट इज नोन एज यू हैव टू बी सीन इन द वार्स मतलब हर्ट योरसेल्फ, आपको रोता हुआ दिखा। The news of Amir's death, कि I suspected he has an axe to the grin. Axe to the grin का मतलब होता है private ends to serve, a personal interest in the matter. कई बार आप बोलते हो ना, लगता है उसका कोई इसमें मतलब तो है, that is known as axe to the grin. मतलब अफेयर में कोई लेना देना तो है, that is known as axe to the grin. Then the news of the Amish death spread like a wildfire. जंगल में आग फैलती है वैसे ही, spread rapidly. मतलब क्या है? Spread rapidly. He took to heart by the death of his wife. मतलब deeply affected. मतलब क्या है? Deeply affected. कि वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था, जैसे ही उसकी क्या है? Wife की death के बाद में वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। You are disappointed.
वो डिसअपॉइंटेड हो गया था, बट इट टुक हार्ट। देखो यहाँ पे था टुक टू हार्ट और यहाँ पे है टुक हार्ट, केवल फर्क किसका इस टू का। अगर टुक टू हार्ट मतलब अपने दिल पे लेना, मतलब डीपली अफेक्ट होना बाय द डेथ ऑफ द वाइफ, लेकिन केवल टुक हार्ट रहेगा तो उसका बिल्कुल अपोजिट नहीं, ये नेगेटिव है। टुक टू हार्ट मतलब वो निराश हो जाना, होपलेस हो जाना या फिर दुखी होना, और टुक हार्ट मतलब दुख है अभी भी लेकिन उस दुख से बाहर निकलने का तरीका। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो दुखी तो था बट ही टुक हार्ट एंड ट्राइड अगेन, मतलब चीयर्ड हिमसेल्फ अप, एक बार फिर उठ के खड़ा होना। कि मैं सपोज यू 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 डिडंट क्वालिफाई द फर्स्ट प्रीलिम्स एंड यू बिकम सैड और विद ग्लूमी, बट और आप खुद से एक बार जाके सामने खुद से एक प्रॉमिस करते हो कि एक बार और पूरी चीयरफुलनेस के साथ और तैयारी करते हैं, देखा जाएगा कि क्या होगा। दैट इज नोन एज टुक हार्ट। ओके, ही इज हार्ट इन द राइट प्लेस। अब हार्ट इन द राइट प्लेस का मतलब ये नहीं है कि राइट में हार्ट होना, वो तो लेफ्ट में ही रहेगा, बट मतलब क्या है कि वो काइंड हार्टेड पर्सन, वो एक अच्छा आदमी है। ही इज नाइस बाय द हार्ट। ओके, मीन्स वेल, इज ऑफ ए काइंडली एंड ए सिंपैथेटिक पर्सन डिस्पोजिशन, मतलब वो पर्सनालिटी कैसी है जिसको दया आती है, करुणा है, किसी के प्रति किसी चीज को दुखी को देख के वो दुखी होता है। दैट इज नोन एज हार्ट इन द राइट प्लेस। हार्ट इन द राइट प्लेस मीन्स हैविंग द राइट इमोशंस फॉर द राइट पीपल। व्हेन एवर दे आर हैप्पी ही इज आल्सो हैप्पी, व्हेन एवर दे आर सैड और द ग्लूमी ही इज आल्सो सैड, व्हेन ही सी ए वीपिंग पर्सन ही आल्सो वीप्स विद देम, दैट इज नोन एज राइट हार्ट पर्सन। इज कमिंग टू द फ्रंट। कमिंग टू द फ्रंट मतलब वो दिख रहा है पब्लिक लाइफ में, मतलब वो मुख्य आदमी बन के आ रहा है। अटेनिंग प्रोमिनेंस मतलब मेजर पर्सनालिटी, बिकम कॉन्सिपिकस, लिख लेना कॉन्सिपिकस मतलब वन व्हाट अपीयर्स, व्हाट अपीयर्स मेजरली, व्हाट इट सीम्स टू बी, व्हाट अपीयर्स कि जो दिखता हो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो सामने दिख रहा हो कि ऐसा होगा कि इट्स कॉन्सिपिकस दैट आई वुड फेल इन द एग्जामिनेशन, ऐसा दिख रहा है कि मैं तो फेल ही होना हूँ एग्जाम में, दैट इज नोन एज कॉन्सिपिकस। ओके, एक बार इनको वापस रिपीट कर लेते हैं, आप खुद बता सकते हो अब कि नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, कि से समथिंग व्हाट से एग्जैक्टली व्हाट टू डू और से एग्जैक्टली व्हाट वाज द नीडेड से और डन एग्जैक्टली द राइट थिंग। टुडे ही इज इन द हाई स्पिरिट्स, वो आज हाई स्पिरिट्स में है, मतलब जॉयफुल और चीयरफुल। सेकंड थर्ड हाउ इज दैट यू सीम टू आउट ऑफ स्पिरिट्स, मतलब वो दुखी है, यू सीम टू बी द आउट ऑफ द स्पिरिट मतलब दुखी है। थर्ड You have been in the wars, मतलब hurt yourself. X to the green, कुछ affairs में जुड़ा हुआ है, कुछ अपने means है उसके. Spread like a wildfire, spread rapidly. Spread like a wildfire मतलब spread rapidly. Took to heart, देखो दोनों में कितना फर्क था, took heart और took to heart. Took to heart is a negative, मतलब deeply affected by his wife. Took heart मतलब cheered himself and tried again. He has his heart in the right place. मतलब he is a right kind of the person. Is a or kind है वो, sympathetic है. To the front of attaining prominence or becoming conspicuous. And conspicuous is what? What it appears to be. What it generally seems to be. जो दिखता है वैसा. He is not a great lawyer. वो great lawyer नहीं है. But has the gift of the gab. गिफ्ट ऑफ द गेब कभी सुनी नहीं होगी, इससे इम्पोर्टेंट आ सकती है कभी। गिफ्ट ऑफ द गेब का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, कि वो लॉयर तो अच्छा नहीं है लेकिन वो इसलिए अच्छा लॉयर बन गया क्योंकि उसके पास गिफ्ट ऑफ द गेब बोलने की कला है उसको, कि वो अच्छा आदमी नहीं है लेकिन उसको भाषणबाजी आती है इसलिए वो महान हो गया। ओके, दैट इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ द गेब, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। Prohibition is gall and wormwood. Prohibition is gall and wormwood to distillers. Distillers मतलब one who sells or deals in alcohol. One who sells or deals in alcohol. One who drink alcohol is known as distillers. कि prohibition जो मना कर देते हैं alcoholic person को, चाहे वो husband हो या चाहे वो पिता हो, अगर कोई alcoholic person है
और आप उसको मना कर रहे हो उनको, तो इज गोल एंड वॉर्म, मतलब ये उनके लिए हेटफुल होता है, उनके लिए वो अच्छा नहीं लगता, उनको हेटफुल होता है। दो दो तो गोल एंड वार्मवुड ये एक फ्रेज है जिसका मतलब आपको सीधी लिखी हुई आ गई तो समझ में नहीं आएगा। ओके, आरबीआई जैसे एग्जाम में जहाँ पे वो इडियम और फ्रेज को टेस्ट करवाता है, वहां पे सीधी लिखी हुई आती है गोल एंड वार्मवुड, और उसका मतलब होता है हेडफोन। द स्ट्राइकर्स हैव थ्रोन आउट ऑफ गियर, हैज थ्रोन आउट ऑफ गियर, आउट ऑफ गियर मतलब डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ। अभी देखो चल रही है हड़ताल किसकी, ड्राइवर्स की, दे आर अगेंस्ट द पर्पज अगेंस्ट द रिसेंट बिल कि अब ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है तो 10 लाख का जुर्माना, वहीं पे रहेंगे वो भागेंगे नहीं पोजीशन से। सो टू थ्री प्रोविजंस आर देयर। सो अगर वो आजकल गाड़ियां चलाना बंद कर दी, हड़ताल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज थ्रोन आउट ऑफ द गियर, थ्रोन आउट ऑफ द गियर मतलब डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ मेनी ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। दो ही एड्रेस्ट इज बॉयज फॉर ए फ्यू मिनट्स ओनली, द अर्नेस्टनेस विच विथ ही स्पोक वेंट होम टू देम, कि हालांकि उसने कुछ ही देर बोला, फॉर ए फ्यू मिनट्स ओनली, द अर्नेस्टनेस मतलब ईमानदारी, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, लेकिन जिस सिंसियरिटी के साथ वो बोला, विथ विच ही स्पोक वेंट होम टू देम। अब वेंट होम टू देम मतलब का ये नहीं है मतलब कि वो साथ चली गई घर पे, बट वेंट होम टू देम का मतलब है कि डीपली अपील टू देम, मतलब ये उनकी बात लगी। सपोज योर पेरेंट्स से समटाइम्स दैट प्लीज माय सन और डॉटर स्टडी हार्ड, यू आर माय लोन स्टार, एंड इफ यू विल स्टडी हार्ड, इफ यू विल बिकम समथिंग, दैट डे आई विल बी एट 7th moon। ओके, सो दैट एंड समटाइम्स इट अपील्स टू यू फ्रॉम द डे, द नेक्स्ट डे यू ट्राई हार्ड। सो वेन योर फादर और मदर, जनरली पेरेंट्स मोटिवेट्स यू, इट अफेक्ट्स यू वेरी वेल। ओके, एंड वेन यू वेन दे डीमोटिवेट्स यू, देन इट अफेक्ट्स योर मेंटालिटी टू, दैट यू आर डिप्रेस्ड, यू गेट एंग्जाइटी, एंड देयर वर्ड्स अफेक्ट यू द मोस्ट देन द आउटसाइडर्स। इफ आउटसाइडर्स से यू समथिंग, देन इट डजंट अफेक्ट यू मेंटली, बट द डे पेरेंट्स डीमोटिवेट्स यू, दैट अफेक्ट मेंटली। सो वेन पेरेंट्स मोटिवेट्स यू और दे से सम पॉजिटिव वर्ड्स अबाउट यू, you also feel that you also appeal from that, yes we have to do such kind of the things. Just now he is simply coining money. Coining money ka matlab hota hai making money very rapidly, earning large sums easily, ki jab aap bahut jaldi jaldi paisa kamao, that is known as coining money, that is known as coining money, making money very rapidly. Coining money ka matlab aisa nahi hai ki money coin kar raha, coining matlab कमा बहुत जल्दी जल्दी, बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। सपोज समवन इज अर्निंग टीचिंग प्रोफेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग, एंड एट द वेरी अर्ली एज लाइक इन द 20s और 30s ही इज अर्निंग इन लैक्स, देन इट इज नोन एज कॉइनिंग मनी। ओके, द स्क्रीन इज इन द करेक्टर मतलब विद द रेस्ट ऑफ द फर्नीचर, तो स्क्रीन करेक्टर में है मतलब ऐसा नहीं है कि उसका चरित्र है कोई, इज इन कीपिंग मतलब सेम है वैसी, मेज मेज फॉर समथिंग मतलब वैसी ही है जैसी स्क्रीन है वैसा ही, हम बोलते हैं ना कि हमने घर के पर्दे वैसे ही लाए हैं जैसा कि हमारी वॉल का पेंट है, दैट दैट इज नोन एज इज इन करेक्टर विद द रेस्ट ऑफ द फर्नीचर, इज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ, देखो गुड बुक्स और बेड बुक्स ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे। गुड बुक्स का मतलब होता है इन फेवर विद, कि आप किसी के फेवर में हो, या आपको कोई आपका समझ लो कि मैनेजर, आपका एमडी, इफ यू दे लाइक यू देन यू आर इन द गुड फेवर हो, आर यू आर इन द गुड बुक्स हो। अगर आप उसी के खिलाफ हो मतलब वो आपको लाइक नहीं करता, बेड बुक्स, तो आउट ऑफ फेवर विद हिम, दोनों का मतलब अलग अलग। ओके, नेक्स्ट, आई एम क्वाइट एट सी, क्वाइट एट सी का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं समुद्र पे पहुंच गया, क्वाइट एट सी का मतलब है कंफ्यूज, पजल्ड, कंफ्यूज या पजल, he does not understand that he stand in his own light, मतलब उसको नहीं पता चल रहा कि वो खुद ही की लाइट में मतलब अपनी ही रोशनी को रोक रहा है, मतलब इस idiom and phrase का मतलब acting against his own interest, hinders his own advancement, hinder मतलब रोक रहा है, obstacle, कि उसको नहीं पता है कि वो मूर्ख idiot अपने ही अपने ही एडवांस, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, दैट इज नोन एज हिंडर्स।
that is known as this kind of the phase means that. Okay, so today's class time has been, today we have done the enough idioms and phrases. 1 hour class has been completed. I think you enjoyed the class. So thanks a lot from my side. We'll meet very soon. Okay, for the next class. Okay, till then enjoy and read these when you come in the next class and practice as a questions that can you attend the idiom and phrase questions or not. Okay, so thanks a lot from my side.